आप कोई भी काम करते हो, जॉब करते हो या प्राइवेट कंपनी में काम करते हो, अगर आपका महीने का इनकम 10,000 से ज़्यादा या फिर 15,000 से कम है तो आप आराम से पैसा निवेश करके एक बहुत बड़ा कॉर्पस बना सकते हो, वो भी SBI जैसे भारत के सबसे बड़े म्यूचुअल फंड कंपनी में। और दोस्तों वो जो रकम बनेगा वो कम से कम 40 लाख से ऊपर बनेगा। मैं आपको बैंक में फिक्स डिपोजिट या रेगरिंग डिपोजिट या LIC करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो बैंक FDRD है उसमें नॉर्मल इंटरेस्ट मिलता है जैसे 6 से लेकर 7%, और LIC में भी सेम है। अगर आज के टाइम पे आप देखोगे कि महंगाई दर वो भी 6 से 7% मिल रहा है, इसका मतलब आपको सिर्फ निवेश के सिवा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं आपको पैसा जमा करने के लिए या पैसे को ग्रोथ कराने के लिए। दोस्तों ये जो पैसा जमेगा आपको जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम ला सकता है और आपका भविष्य को बिल्कुल सिक्योर कर सकता है। इसके लिए आपको निवेश करना बहुत ही जरूरी है। अगर सबसे आसान निवेश करने वाला ऐप आप पूछते हो मुझसे तो वो होगा ग्रो ऐप। सबसे आसान है, एक बच्चे भी इसको चला सकते हैं और ये प्ले स्टोर से आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो। एक सही फंड का चुनाव करना आज के समय पर बहुत मुश्किल है। 5,000 से ऊपर आज के समय पर म्यूचुअल फंड है। कौन सा म्यूचुअल फंड में रिस्क कम होगा प्रॉफिट ज्यादा होगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक बेहतरीन म्यूचुअल फंड जो पिछले 5 साल में 23%, लास्ट 3 साल में 36% और लास्ट 1 साल में इस म्यूचुअल फंड ने 26% का रिटर्न बनाकर अपने कस्टमर को दिए है, और ऑल ओवर रिटर्न इस म्यूचुअल फंड का 16.31% है। 3 साल में ये जो म्यूचुअल फंड अपने कस्टमर के पैसे को 2 गुना तक कर दिया, और इस म्यूचुअल फंड का जो रेटिंग है वह 5-स्टार रेटिंग। एक्सपेंस रेशियो इस म्यूचुअल फंड का 0.74%, यानी 1% से बहुत ही कम है। चलिए जानते हैं ये जो म्यूचुअल फंड है वो कौन सा कंपनी में अपना पैसे को निवेश करता है। दोस्तों टॉप 10 होल्डिंग ICICI बैंक, गेल, HDFC बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ONGC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, टोरेंट पावर, बायोकॉन, सिप्ला, SAC, रिलायंस इंडस्ट्रीज, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, इंफोसिस, CSC। दोस्तों ऐसे बहुत सारा इंडिया का टॉप लीडिंग कंपनी में ये म्यूचुअल फंड अपना पैसा निवेश करता है। SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, SBI का एक बेहतरीन म्यूचुअल फंड जो पिछले 3 साल में 36% का रिटर्न अपने कस्टमर को दिए हैं। चाहे दोस्तों आप गूगल प्ले से जाके फाइनेंशियल कैलकुलेटर इंस्टॉल करके आप देख सकते हो। दोस्तों ये जो फंड है बहुत बढ़िया से अपना पैसे कस्टमर को पैसे को 2 गुना कर रहा है। चलिए दोस्तों देखते हैं, अभी गूगल में जाकर हम लोग SIP कैलकुलेटर लिखते हैं तो हमारे पास एक डैशबोर्ड आ जाएगा SIP कैलकुलेटर का। उसमें हम जाकर आराम से हिसाब कर सकते हैं हमारा जो पैसा है वो कैसे बनता है। ठीक है, सबसे पहला मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट, हर महीने आप कितना पैसा जमा करोगे। चलिए दोस्तों हम लिख देते हैं, सबसे पहले हम जमा करेंगे 500 रुपया जो हर महीने हमारे अकाउंट से कटौती हो जाएगा, और जो इन्वेस्टमेंट पीरियड होगा यानी दोस्तों कितना साल के लिए हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो दोस्तों हम लिखेंगे लॉन्ग टर्म के लिए 25 साल के लिए, और जो रिटर्न होगा दोस्तों 15%, जो एक म्यूचुअल फंड ऑन एन एवरेज रिटर्न दे देता है। तो दोस्तों इसमें आपने जमा किए हैं सिर्फ 1.5 लाख रुपये और आपको जो रिटर्न मिला है 14,90,000, यानी कुल मिलाकर आपको जो मेच्योरिटी मिलेगा 16,40,000 रुपये दोस्तों अप्रोक्सीमेट आपको मिल सकता है। देखिए दोस्तों म्यूचुअल फंड में रिस्क थोड़ा बहुत है, लेकिन म्यूचुअल फंड में निवेश करने के सिवा आपके पास कोई दूसरा आपके समय पर रास्ता है भी नहीं। अगर आप इस पैसे को 30 साल के लिए निवेश करते हो यानी 500 रुपये को, तो दोस्तों आपने जो इन्वेस्ट किया पैसा वो 1,80,000, और आपको जो टोटल मेजोरिटी मिलेगा दोस्तों वो 35 लाख रुपये मिलेगा। सिर्फ 500 रुपये निवेश करके आप 30 साल में 35 लाख रुपये दोस्तों बना सकते हो, और ये जो पैसा है दोस्तों आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। हाँ इसमें कुछ कटौती होता है, टैक्स वगैरह कटौती होता है, लेकिन आपसे ज्यादा कटौती नहीं होगा। और दोस्तों अगर आप इसमें 1,000 रुपये हर महीने निवेश करते हो और जो इन्वेस्टमेंट पीरियड रहेगा वो होगा दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 25 साल, और जो रिटर्न रहेगा सिर्फ 15% जो म्यूचुअल फंड के एवरेज रिटर्न माना जाता है। तो दोस्तों इसमें आपने जो इन्वेस्ट किया हो पिछले 25 साल में वो होगा 3 लाख रुपए, और आपको जो मेजोरिटी मिलेगा वो मिलेगा 32,80,000 रुपए। दोस्तों ये जो अमाउंट है सिर्फ म्यूचुअल फंड में संभव है, बाकी गवर्नमेंट का कोई भी प्लान आज के समय पर 15-20% इंटरेस्ट किसी भी प्लान में नहीं देता है। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं इस जो इन्वेस्टमेंट है इसको हम 5 साल और एक्सटेंशन करते हैं, 30 साल के लिए करते हैं। तो दोस्तों आपका जिसमें इन्वेस्ट किया हुआ पैसा वो है 3,60,000, और आपको जो मेजोरिटी मिलेगा वो मिलेगा 70,10,000 रुपए। दोस्तों बहुत बड़ा एक रकम होता है 70 लाख। हाँ इसमें इन्फ्लेशन दोस्तों पकड़ेगा, लेकिन आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो भी दोस्तों बहुत बड़ा ही बन रहा है, इसमें कम भी नहीं होगा। अगर आप हर महीने 500 रुपए जमा करते हो आपका 35 लाख रुपए बन रहे हैं, और 1,000 रुपए जमा करते हो आपका 75 लाख रुपए बन रहा है। दोस्तों फाइनेंशियल प्लानिंग आज के समय पर बहुत ही जरूरी है। अगर ये जानकारी आपको अच्छा लगता है तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।